अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलते रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। आज हम बना रहे हैं वेज पिज़्ज़ा। वेज पिज़्ज़ा बहुत ही बढ़िया बनता है, पिज़्ज़ा सभी को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। आज हम बिल्कुल मैकडोनल्ड्स स्टाइल में पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो भी बिना यीस्ट के। कई जगहों पर यीस्ट अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए आज हम इस वीडियो में बिना यीस्ट का ही पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो देखते हैं वेज पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। वेज पिज़्ज़ा बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले ये मैंने मैदा लिया है, ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, करीब 200 ग्राम मैदा है ये। इसी के साथ देखिए ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है, ये 2 बड़े चम्मच है, आप इसकी जगह शेजवान सॉस भी यूज़ कर सकती हैं। टॉपिंग्स के लिए देखिए, ये मैंने 1 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस में चॉप कर लिया है, 1 छोटे साइज़ के शिमला मिर्च को मैंने लंबा कट कर लिया है, थोड़ी सी मैंने ककड़ी ली है, और ये देखिए मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने बीज हटा के थोड़ा लंबा काट लिया है, और ये मैंने उबली हुई मकई ली है, करीब 2 बड़े चम्मच मकई है ये। इसी के साथ देखिए मैंने 1/2 छोटे चम्मच मिक्स हर्ब लिए हैं और 1/2 छोटे चम्मच चिल्ली फ्लेक्स लिए हैं। ये मैंने 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। ये मैंने नमक लिया है, नमक हम स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा सोयाबीन ऑयल लिया है, और देखिए ये मैंने दही लिया है, ये फ्रेश दही है, हमें फ्रेश दही ही यूज़ करना है यहाँ। इसी के साथ मैंने 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ चडार चीज़ लिया है, ये मैंने अमूल ब्रांड का लिया है, बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल रहता है। देखिए इसी के साथ ये मैंने 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ मोज़रेला चीज़ लिया है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं मैकडोनल्ड्स स्टाइल वेज पिज़्ज़ा। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस के लिए आटा लगाएंगे, तो एक बाउल के अंदर हम मैदा ले लेते हैं। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, नमक हम स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों चीज़ों का हम बहुत अच्छे से मैदे में मिक्स कर देंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और हमें दोनों ही चीज़ें लेना है, मतलब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि हम दोनों में से एक चीज़ यूज़ कर लें। और ये जो हमने दही लिया है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके मैदे में मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 3 या 4 चम्मच डालेंगे। फर्स्टली हम थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं, उसके बाद हम इसमें 1 या 2 चम्मच डालते जाएंगे और इसका डो तैयार करेंगे। हमको बिल्कुल भी हार्ड डो नहीं बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है हमें, जैसे नान का डो बनता है या फिर पाव का डो बनता है उस टाइप से। थोड़ा थोड़ा दही डाल के हम इसका एकदम सॉफ्ट डो बना लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सॉफ्ट डो बनके तैयार है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सोयाबीन ऑयल डालेंगे और इस आटे को थोड़ा मसल लेंगे। देखिए हमारा डो भी रेडी है, और यहाँ हम एक ढक्कन लेंगे जिसको हम बेकिंग ट्रे की तरह यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह तवे पे भी बना सकती हैं। इस ढक्कन को हम एल्यूमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए ये हमारी बेकिंग ट्रे भी रेडी है, इसको एक साइड में रख देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, थोड़े से मैदे की डस्टिंग करेंगे और इस आटे को हम थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। हम जितना आटे को मसलेंगे उतना ही हमारा आटा सॉफ्ट होगा। और इस आटे की हम लोई बना लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस से हम इसकी लोई बनाएंगे। फिर से हम इसमें मैदे की डस्टिंग करेंगे और हम इसको हाथ से थोड़ा दबाएंगे। हम हाथ से दबाते हुए इसे गोल शेप देंगे, उसके बाद हम इसे रोल करेंगे। देखिए हम इसको बहुत मोटा है, ये बहुत पतला नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम साइज के रखना है। और देखिए ये प्लेट के साइज का ही हमें इसको बनाना है,
अगर हम बहुत बड़ा बनाएंगे या बहुत छोटा बनाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है इसके सिकने में और इसके कलर में, इसलिए हमको बिल्कुल प्लेट के साइज़ का ही बनाना है। हमने इसे थोड़ा और बेल लिया है, देखिए अब ये बिल्कुल प्लेट के साइज़ का हो चुका है। ये प्लेट से थोड़ा सा ही बड़ा है, हमने इसकी एजेस थोड़ी बड़ी रखी है क्योंकि हम इसको फोल्ड करेंगे, मतलब हम किनारों को थोड़ा थोड़ा पास लेते जाएंगे, तो इससे ये बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल में होगा। आपने देखा होगा डोमिनोज के पिज्ज़े की जो लेयर रहती है साइड से, वो थोड़ी मोटी रहती है और ये बहुत क्रंची और बहुत क्रिस्पी हो जाती है, इसलिए देखिए हम थोड़े थोड़े किनारों को ऐसा राउंड कर देंगे। ध्यान रखिए किनारों को बहुत ज़्यादा राउंड नहीं करें क्योंकि पिज़्ज़ा बेक होगा जब भी फूलेगा। डो को बेकिंग ट्रे पर अच्छे से सेट करने के बाद हम इसमें फोक से छेद करेंगे ताकि पिज़्ज़ा बीच में से बहुत ज़्यादा फूले नहीं। हमने इसमें बहुत अच्छे से छेद कर दिए हैं। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, करीब 2 बड़े चम्मच हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अगर आप कम सॉस पसंद करती हैं तो आप कम सॉस लगा लें, और अगर आप थोड़ा मीठा फ्लेवर पसंद करती हैं तो आप टमाटो सॉस भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छे से हम पिज़्ज़ा सॉस को पूरे डो पर स्प्रेड करेंगे। अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसमें मोज़रेला चीज़ डालेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं चीज़ को। अच्छे से पूरे पिज़्ज़ा पर हम इस चीज़ को डालेंगे। अगर आपके पास 2 क्वालिटी के चीज़ अवेलेबल नहीं हो तो आप सेम क्वालिटी के चीज़ भी यूज़ कर सकती हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप ज़्यादा चीज़ पसंद करती हैं तो आप क्रीम चीज़ भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। क्रीम चीज़ को पिज़्ज़ा सॉस के बाद इस पर लगा लें। अब हम इस पर टॉपिंग्स रखेंगे। सबसे पहले हम टमाटर लगाएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टॉपिंग्स भी चेंज कर सकती हैं। अगर आप ऑलिव्स पसंद करती हैं तो आप इसमें ऑलिव्स भी डाल सकती हैं। पूरे पिज़्ज़ा के टॉपिंग्स को हम पिज़्ज़ा पर अच्छे से अरेंज कर लेंगे। देखिए मैंने पूरी टॉपिंग्स लगा दी है और जो हमने चडार चीज़ लिया था वो भी मैंने पूरा इस पर डाल दिया है। सॉरी उस टाइम मेरा कैमरा ऑफ था। यह हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। अब हम इस पर थोड़ा से मिक्स हर्ब और ओरिगैनो डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने नमक डाला है, इसको मैंने गैस पर रख दिया है, गैस ऑन कर देते हैं। आप बिना नमक के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन नमक डालने से जो गैस की हीट रहती है वो इवनली स्प्रेड होती है। अब हम इसे 10 मिनट तक प्रीहीट करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, मीडियम लो हीट पे मैंने इसको प्रीहीट करा है। इसके बीच में एक स्टैंड रखकर हम ये पिज़्ज़ा रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो आप कोई भी कटोरी भी यूज़ कर सकती हैं। पिज़्ज़ा रखने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। 20 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, हमारे पिज़्ज़ा को चेक करते हैं। बहुत ही बढ़िया ये पिज़्ज़ा बन चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए पूरा अच्छे से ब्राउन हो चुका है, हमें ऐसा ही कलर चाहिए था इसका। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा टेस्टी वेज पिज़्ज़ा बनके तैयार है। इस पर हम थोड़ा से मिक्स हर्ब और रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप कम तीखा पसंद करती हैं तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। ये बिल्कुल मैकडोनल्ड्स स्टाइल में बना है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इससे। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। देखिए हमने इसे कट कर लिया है। कितना परफेक्टली हमारा पिज़्ज़ा बेक हुआ है, बिल्कुल डोमिनोज जैसे इसका कलर आया है। देखिए नीचे से भी बहुत अच्छे से ये बेक हुआ है और हमने इसको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया था, इसलिए ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है। और मैं इसको आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया बना है ये, बिल्कुल डोमिनोस स्टाइल में बना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने इसे बिना यीस्ट के बनाए हैं,
फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। इसका क्रस्ट बिल्कुल सॉफ्ट है जैसे डोमिनोज का रहता है और ये थोड़ा सा क्रिस्पी भी है बाहर के साइड से। बहुत ही बढ़िया बना है ये, आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।